श्री राम भगवान का यहाँ पर युद्ध हो रहा है सीता माता को बचाने के लिए, और श्री राम भगवान से और लक्ष्मण जी से मेघनाथ की लड़ाई होती है, युद्ध होती है, और ये सोच रहा है कि मैं इन दोनों को मार दूंगा। पर इसको पता चल जाता है कि ये दोनों भगवान हैं, और ये लक्ष्मण जी पे फिर भी वार करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता था कि मेरे पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, वो मेरे लिए भगवान है और उनकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। उसे ये पता था कि ये दोनों भाई भगवान हैं, उसके बाद भी इसने उनसे लड़ाई किया। विभीषण जी सही के रास्ते पर थे और वो उनको गुण बताते थे कि ये कैसे मरेंगे, और श्री राम भगवान की हेल्प भी हो जाती थी। यहाँ पर लक्ष्मण जी के ऊपर वार करने के बाद मेघनाथ उन्हें उठाकर ले जा रहा था अपने पिताश्री के चरणों में कि देखो मैंने तुम्हारे दुश्मन को कैसे मारा। उसके बाद दोबारा लड़ाई होती है और उसमें मेघनाथ जो होता है वो मारा जाता है, और मेघनाथ भगवान के हाथ से मरना चाहता था, उसने इसलिए युद्ध किया। उसके अंदर भी अच्छाई थी, बाद में आई थी, जो कि शुरू में नहीं थी। वो अपने पिता को समझाना चाहता था पर उसके पिता नहीं माने और अपने बेटे को खो दिया उन्होंने। फिर वो और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो श्री राम भगवान लक्ष्मण जी को मारने आता है, बोलता है कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है और मैं अब श्री राम भगवान को मार दूंगा। और उसे लगता था कि श्री राम भगवान जी है वो भगवान नहीं है, वो कोई गरीब भिखारी है। और यहाँ पर श्री राम भगवान ने इसका जो रावण है इसका वध कर दिया और लंका का अंत हो गया, और लंका के राजा बने थे विभीषण जी, जो कि सच के राह पर थे, और जो राम भगवान थे वही विष्णु जी थे। हमेशा सच्चाई ही जीतती है, झूठ कभी नहीं टिकता है, इसीलिए आज के डेट में भी लोगों को सही रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे भगवान ने रास्ते दिखाए हैं वैसे ही इंसान को चलना चाहिए। सबसे बड़ा इंसान का कर्म ही होता है और कर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विष्णु जी लक्ष्मी माता बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।